एंड्रॉइड 14 के साथ हमें 8 से भी ज्यादा न्यू फीचर्स ऐड होते हुए देखने को मिल जाते हैं जो कि आप आगे चलकर इस वीडियो में देखने वाले हो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। एंड्रॉइड 14 का डेवलपर प्रीव्यू प्रोग्राम हमने अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर लिया है, जो कि डेवलपर्स के लिए रिलीज किया जाता है, लेकिन हम भी डेवलपर्स हैं, हमने भी आपके लिए वीडियो बनाने के लिए बिल्कुल इस अपडेट को इंस्टॉल कर लिया है। लेकिन आपको बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है कि आप इस अपडेट को इंस्टॉल कीजिए अगर आप अपने गूगल पिक्सल को एज अ प्राइमरी डिवाइस यूज करते हैं। अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम अपने सबसे पहले फीचर्स के बारे में। तो एक जो बैटरी में सबसे डिमांडेड फीचर था, जो कि बैटरी यूजेस का था, तो वो फीचर यहाँ पर ऐड किया गया। सिंपली मैं आपको समझाता हूँ कि जितना आपने स्मार्टफोन अपना यूज किया है अपने लास्ट फुल चार्ज से, तो वो अब आपको यहाँ पर बता देने वाला है। यानी कि आपने सुबह के 8 बजे अपना फोन फुल 100% चार्ज किया और शाम के 8 बजे तक आपका फोन चला, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं कि इतने घंटे जो है आपका स्मार्टफोन, आपकी जो स्क्रीन है वो चली। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि मेरा फोन इतना चलता है, उसके अकॉर्डिंग अपना जो यूजेज पैटर्न है उसको भी आप मैनेज कर सकते हैं। इसी के साथ ही बैटरी यूजेज में भी और साथ ही जो बैटरी सेवर वाला ऑप्शन है वहाँ पर भी हमें कुछ UI ट्वीक्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि अब आप रिमाइंडर वगैरह लगा सकते हो और इसके साथ ही और भी ढेर सारे बैटरी सेवर में ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जो उसका UI है वो बिल्कुल ही चेंज हो गया है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे डेफिनेटली देख पा रहे हो। गाइस नेक्स्ट फीचर जो है काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है उन लोगों के लिए जिनको अपनी स्क्रीन को काफी ज्यादा बड़ा देखना पसंद है। पहले हमने देखा था कि जो आपके स्क्रीन के टेक्स्ट या फॉन्ट थे वो 130% तक आप जूम कर सकते थे, बड़े कर सकते थे, स्केल कर सकते थे, लेकिन अब ये जो नंबर है वो 200% तक चला गया, यानी कि आप 200% तक अपने स्क्रीन के जो टेक्स्ट हैं, आइकन्स हैं, उनको बड़ा कर सकते हो। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने भी इन्हें यहाँ पर बड़ा किया है और इस तरह से आप यूज कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अपनी स्क्रीन को कुछ इस तरह से दिखना पसंद आ जाता है। नेक्स्ट फीचर सिम कार्ड और इंटरनेट से रिलेटेड है, यानी कि अगर आपके स्मार्टफोन में 2 सिम्स हैं तो आपके स्मार्टफोन में एक फीचर मिल जाएगा जिसका नाम होगा ऑटोमेटिक डाटा स्विचिंग वाला ऑप्शन। और इस ऑप्शन के साथ ही जो भी सिम आपका अच्छा डाटा प्रोवाइड कर रही होगी उसमें आपकी जो स्मार्टफोन है वो डाटा को स्विच कर देगा। यानी कि सपोज मेरे स्मार्टफोन में अभी एक ही सिम है तो यहाँ पर मुझे कोई भी ये ऑप्शन नहीं शो होगा, लेकिन अगर आपके स्मार्टफोन में 2 सिम्स हैं तो वहाँ पर ऑप्शन शो हो जाएगा। लेकिन जैसे कि आपके पास एक BSNL है और एक आपके पास Airtel है, अगर आप अभी BSNL का जो इंटरनेट है वो यूज़ कर रहे हो लेकिन वो अच्छा नहीं है, साथ ही आप ऐसा चाहते हैं कि मेरे ऑन किए बिना ये जो इंटरनेट है वो Airtel में स्विच हो जाए, तो वो इस फीचर की मदद से डेफिनेटली हो जाएगा। तो ये जो है एक सीमलेस कनेक्शन बनाता है कि आपको बार बार इंटरनेट को चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिम्स आपस में फास्ट इंटरनेट में जो चेंजिंग्स हैं उनको करती रहेगी। नेक्स्ट फीचर जो है दोस्तों एंड्रॉइड का एक मेजर इंप्रूवमेंट का केंद्र है या सेंटर है वो रहा है बिल्कुल जो प्राइवेसी है। हर बार एंड्रॉइड कि जो अपडेट्स आते हैं मेजर उनके साथ अपडेट किया जाता है, और इस बार भी ढेर सारे एंड्रॉइड प्राइवेसी में हमें चीज़ें देखने को मिल जाती हैं जिनके बारे में मैं एक एक करके आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसे कि मालवेयर फाइटिंग के लिए यहाँ पर गूगल ने बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस की हुई है, जैसे कि कोई अगर आपके स्मार्टफोन में बहुत पुरानी ऐप्स है तो या गूगल प्ले पे बहुत पुरानी ऐप है अगर उसे आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो वो ऐप इंस्टॉल ही नहीं होगी, या कोई एक ऐसी ऐप है जहां पर अपडेट्स हमें बहुत टाइम पहले मिले थे तो वो ऐप भी आपके स्मार्टफोन में इंस्टॉल नहीं होगी। ये जो है कुछ प्राइवेसी कंसर्न को लेकर चीज़ की गई है कि जो बहुत पुरानी ऐप्स हैं या जिनमें अपडेट्स नहीं आते हैं तो वो ऐप्स ऐसे मालवेयर्स, ऐसे वायरसेस के थ्रू इन्फेक्ट हो सकती हैं जिनके बारे में जो डेवलपर्स हैं वो नहीं जानते हैं, और आपके स्मार्टफोन में घुस के वो आपका डाटा वगैरह भी चुरा सकती है। इसी के साथ ही एंड्रॉइड पास की का फीचर भी देखने को मिलने वाला है, जो कि आपके पासवर्ड, पैटर्न या बायोमेट्रिक का रिप्लेसमेंट होने वाला है। यानी कि इस पास की के थ्रू आप अपने स्मार्टफोन को अनलॉक कर सकते हो, आपको बार बार पैटर्न, पासवर्ड या पिन इस तरह की चीज़ें डालने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, देखते हैं जब जो नेक्स्ट अपडेट आएगी तो ये चीज़ें किस तरह से यहाँ पर काम कर सकती हैं। इसी के साथ ही बैकग्राउंड ऐप्स की जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है उस पर भी अब थोड़ी सी रोकथाम यहाँ पर गूगल ने करने की कोशिश की है। हमने ये चीज़ देखी है और मैंने भी फर्स्ट टाइम सुनी कि जो आपके कैरियर्स हैं जैसे कि Airtel, Jio, Vodafone वगैरह, ये भी आपके स्मार्टफोन में जो थर्ड पार्टी ऐप्स हैं उनको बैकग्राउंड में इंस्टॉल कर सकते हैं। ये मैंने पहली बार सुनी और हो सकता है कि आपने भी सुनी हो, तो अगर आप टेक में इंटरेस्टेड हैं तो ये बात आपको जाननी चाहिए कि जो आपके कैरियर्स हैं वो भी आपके स्मार्टफोन में जो ऐप्स हैं उनको इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अब गूगल ने इसका भी एक
सोल्यूशन या रास्ता ढूंढ लिया है कि उन ऐप्स को भी आप अनइंस्टॉल कर सकते हो अगर वो ऐप्स आपको नहीं चाहिए। ये भी जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग बात बन जाती है। साथ ही जो प्राइवेसी मेन्यू वाला बिल्कुल ही ट्वीक चेंज हो गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यूआई है बिल्कुल ही चेंज हो गया है। हर चीज़ कैटेगराइज हो गई है, जो आपके डिवाइस है, बायोमेट्रिक्स है, सिक्योरिटी है, अपडेट्स है, लोकेशन वगैरह, हर एक चीज़ हमें यहाँ पर अच्छे से मैनेज होती हुई देखने को मिल जाती है। मोर सेटिंग्स में अभी आप जाएंगे तो ढेर सारे जो है प्राइवेसी कंसर्न वाले जो फीचर्स हैं वो हमें यहाँ पर एडेड देखने को बिल्कुल मिल जाते हैं। अब जो नेक्स्ट फीचर है ना दोस्तों, वो फीचर मुझे लगता है कि आप सभी के काम बहुत ज़्यादा आने वाला है, बिकॉज ऐप क्लोनिंग का जो फीचर है वो हम सभी को चाहिए होता है। हम कभी अपने WhatsApp के दो WhatsApp बनाना चाहते हैं एक ही फ़ोन में, या Facebook के उसके दो बनाना चाहते हैं, तो अब जो ऐप क्लोनिंग वाला फीचर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। हालांकि ये अपडेट हमें डेवलपर प्रीव्यू में ही देखने को मिला है कुछ कुछ डिवाइसेज में, मुझे नहीं पता कि मेरे फ़ोन में ये क्यों नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि क्लोन वाला फीचर भी आएगा। देखते हैं जो नेक्स्ट अपडेट आएगा तो उसके साथ किस तरह से ये वर्क करता है। अतः प्राइवेसी वाले ऑप्शन में ही एक हमें हेल्थ कनेक्ट वाला फीचर देखने को मिल जाता है, जिसके बारे में बताना आपको भूल गया, सॉरी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हेल्थ कनेक्ट जो है बहुत सारे ऐसी ऐप्स को परमिशन दे देता है, या ऐसी जो ऐप्स हैं उनकी परमिशन को कंट्रोल करता है, जो कि आपके फिटनेस से रिलेटेड जो सेंसर्स हैं उनको वगैरह यूज़ करती है, या उस तरह की जो प्राइवेसी है उसको यूज़ करती है, यानी कि आप कितने स्टेप्स चले या कुछ इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हेल्थ कनेक्ट एप्लीकेशन में हमें देखने को मिल जाती है, जिसको गूगल ने प्राइवेसी सेक्शन के अंदर ही इंटीग्रेट कर दिया है। हालांकि मैं इसके ऊपर एक वीडियो लेकर आने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से हेल्थ कनेक्ट जो सिस्टम है वो काम करता है। स्टे ट्यून कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस जरूर कर दीजिए। इसके साथ ही गूगल ने यहाँ पर कीबोर्ड्स एंड जो टच पैड है उसमें जेस्चर वाला एक ऑप्शन की भी जिक्र किया हुआ है। हालांकि मुझे इसका ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं लगा है कि किस तरह से ये चीज़ काम करेगी, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर फिजिकल कीबोर्ड आपने अपने स्मार्टफोन में यूज़ किया हुआ है, या जो टच पैड है उसमें जो जेस्चर्स हैं वो भी हमें देखने को मिलेंगे। हालांकि देखते हैं कि फ्यूचर में जब और चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं और हम फिजिकल कीबोर्ड यूज़ करते हैं या कनेक्ट करते हैं, तो उसके साथ हमें किस तरह के जेस्चर्स यहाँ पर अपडेट होते हुए देखने को मिल जाते हैं। पहले गाइस जो ऑटोफिल वाला ऑप्शन है वो हमें थोड़ा सा सेपरेट देखने को मिलता था, लेकिन अब यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट ऑटोफिल वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर गूगल ने मर्ज कर दिया है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो, पहले कुछ इस तरह का था तो अब हमें कुछ इस तरह का ये जो डिफ़ॉल्ट वाला ऑप्शन है वो डेफिनेटली यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो हाँ, गूगल ने इस बार ये करने की कोशिश की हुई है कि जो ज़्यादा फैली हुई चीज़ें हैं उनको एक जगह पर मर्ज कर दिया जाए, ताकि उनका जो यूजर्स को ढूंढने का एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा टाइम ना कंज्यूम करे, तो यही बात बिल्कुल बन रही है। सो गाइज, अभी के लिए यही कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि हमें लेटेस्टली एंड्रॉयड 14 के साथ देखने को मिले हैं। ढेर सारे फीचर्स एंड्रॉयड 14 के साथ देखने को मिलने वाले हैं, हर छोटे से छोटे बड़े से बड़े बहुत सारे फीचर्स आने वाले हैं जो कि बीटा के साथ हमें देखने को मिल सकते हैं, लेकिन डेवलपर प्रीव्यू के साथ हमें कुछ कुछ ही फीचर्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि अभी एंड्रॉयड 14 का जो ईस्टर एग है वो भी हमें देखने को नहीं मिला है। सो आप जरूर स्टे ट्यून कीजिएगा, जो इसका कंप्लीट वीडियो है जब भी बीटा अपडेट आता है तो आपको हमारे हिमालयन गैजेट्स यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। सो सब्सक्राइब जरूर कीजिए गाइज, वीडियो को भी लाइक कीजिए, लाइक्स काफ़ी कम आ रहे हैं, व्यूज़ आप अच्छे दे रहे हो लेकिन लाइक्स नहीं दे रहे हो, तो लाइक कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले आगे भी इस तरह के काम करते रहने में। बस इतना था इस वीडियो में, आपसे आगे मिलता हूँ किसी और ऐसे वैल्यू